अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जो कि गर्मी में अक्सर बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को बल्कि गर्मी दाने निकल आते हैं या छोटे छोटे गर्मी दाने, इसको पीत कहा जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ किस तरह से अपनी रेमेडी यूज़ करनी है और उस तरह से इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसी रेमेडी है कि जो आपके घर में प्याज से हल होगी, ठीक है। और ये प्याज कोई वाइट प्याज या फिर आपको कोई लाल प्याज या फिर ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो घर में आम रेगुलर हम यूज़ करते हैं हंडिया बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए प्याज, वो आपने एक प्याज ले लेना है। अच्छा, ये आपने देखना है कि अगर आपकी पूरी बॉडी पे है फिर उस हिसाब से प्याज की क्वांटिटी आपने लेनी है, एक या दो। अगर आपको पूरी बॉडी पे यूज़ करना है तो फिर आप थोड़ा बड़ा प्याज का साइज़ ले लें। अगर आपको सिर्फ सीने पे या फिर बाजुओं पे, फेस पे, तो उस हिसाब से फिर आपने लेना है। अच्छा, मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक प्याज रखा है, ठीक है। इस प्याज को आपने अच्छे से छील लेना है। छील के फिर आपके पास ये घर में कोई भी इस किस्म का क्रशर होगा या फिर ये कद्दूकश करने वाली कोई भी इस तरह का कोई कुछ होगा या फिर वो दूसरा होता है मूली को क्रश करने वाला, ठीक है। वो आप लेके ये प्याज को आपने अच्छे से छील लेना है और प्याज को छीलने के बाद इसको अच्छे से ऐसे कद्दूकश कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे कद्दूकश इसको, तो फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। प्याज की ये फॉर्म आ जाएगी तो ये आपका इस तरह से कद्दूकश हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ है, कद्दूकश करके प्याज को। इसको जी आपने फिर क्या करना है, फिर आपने एक गिलास लेना है ऐसे सिंपल कोई भी, इसके ऊपर चाय पुनने वाली छन्नी ले लें या फिर यह है कि कोई भी बारीक इस तरह की कोई ले लें आप, तो इसमें हम इसको अच्छे से सारा डाल देंगे। इसके अंदर हम सारी डाल देंगे प्याज, कोई आपने नमक, कोई पानी, कुछ नहीं डालना। और ये प्याज डालने के बाद आपने इसको अच्छे से करना है प्रेस। ये देखें जी, मैं आपके सामने इसको प्रेस करती हूँ। इसके अंदर से निकलेगा ये जूस, प्याज का पानी निकलेगा, प्याज का जूस कह लें, प्याज का पानी कह लें, कुछ भी। ये देखें, इसको आपने अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो भी इसका जूस है, इसका पानी है प्याज का, वो सारा निकल आए। इसमें आपने कोई नमक नहीं, कोई पानी, कोई प्याज को पहले पानी लगाना है, कुछ नहीं आपने यूज़ करना। ये आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं, ये क्रीम्स आई हुई हैं, पाउडर आए हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारी यूज़ की हुई है और ये यूज़ की रेमेडी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ही नहीं। ये देखिए, जितना भी आसानी से निकल सकता है पानी वो मैंने निकाल लिया है। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये छोटा सा प्याज लिया था। और इसको फिर आपने वेस्ट नहीं करना और इसको आप बाद में हंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने साफ तरीके से हाथों से नहीं किया, हमने स्पून से ऐसे प्रेस किया। ये आप बाद में या तो सैलेड में भी ये प्याज यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी कोई वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो मेन चीज़ हुई है तैयार, ये है जी इसका तोड़, गर्मी के दानों का और इसका पित का, कुछ भी कह लें आप। उसके बस आपने क्या करना है, अपना बॉडी को अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। बॉडी को अच्छे से वॉश करने के बाद और फिर आपने अपने बॉडी पे ये लगा लेना है प्याज का पानी, ठीक है। ये आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लगा के रखना है प्याज का पानी। और फिर आपको या तो फिर दानों पे थोड़ी चुभन भी होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेना और वो असल में ये प्याज का पानी अपना असर दिखा रहा होगा। तो फिर आपने अच्छे से इसको अपने 10 से 15 मिनट के लिए यूज़ कर लें, अपनी बॉडी पे लगा के रखना है और फिर उसके बाद अच्छे से जाके शावर ले लें और साबुन से अच्छा अपना बॉडी को सारी वॉश कर लें, ठीक है। तो ये जी मेरे पास एक रेमेडी थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और ये आप मुझे इसका फीडबैक देना कि आपको ये कैसी मेरी रेमेडी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना।